कांग्रेस के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय गुरुदास कामत की पहली पुण्यतिथि पर अंधेरी में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस सभा का आयोजन कांग्रेस नेता मोहसिन हैदर और उनकी पत्नी नगर सेविका मेहर मोहसिन हैदर की अगुवाई में किया गया। इस मौके पर महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बालासाहेब थोरात, मुंबई कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष एकनाथ गायकवाड़, पूर्व राज्य गृह मंत्री कृपाशंकर सिंह सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए और सभी ने अपने नेता गुरदास कामत को श्रद्धांजलि दी। साथ ही वार्ड क्रमांक 66 की नगर सेविका मेहर मोहसिन हैदर के प्रयास से अंधेरी स्टेशन के बाहर यसबी रोड पर स्वर्गीय गुरदास कामत के नाम पर चौक का भी उद्घाटन किया गया। गुरदास कामत की पहली पुण्यतिथि पर सभी ने गुरदास कामत को याद किया और उनके मिलनसार व्यक्तित्व पर बात की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय गुरदास कामत के नाम पर आज जो है चौक का इनॉग्रेशन किया गया है। वार्ड क्रमांक 66 की नगर सेविका मेहर मोहसिन हैदर द्वारा इस जो है चौक का इनॉग्रेशन कराया गया और हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के पूर्व गृह मंत्री कृपाशंकर सिंह जी, उनसे जानते हैं। सबसे पहले तो गुरदास कामत जी को किस तरह से याद कर रहे हैं, क्योंकि आज शोक सभा के बाद आपने जो है उनके नाम के चौक का उद्घाटन किया। गुरदास कामत जी की आज पहली पुण्यतिथि पर मोहसिन हैदर जी ने एक उनका यादगार दिन ही नहीं रखा, आज के दिन उनके नाम का एक चौक महापालिका के द्वारा स्वीकृति करा करके और पहली पुण्यतिथि पर उन्होंने बताया कि गुरदास जी आप मेरे बीच में, आपके शरीर नहीं है लेकिन आपके विचार आपकी प्रेरणा हमारे साथ है। मैं मोहसिन हैदर उनके तमाम साथियों को मुबारकबाद देता हूँ, साथ साथ में मुंबई महानगर पालिका के उन अधिकारियों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने मोहसिन हैदर की उस भावनाओं को गुरदास जी कामत के चौक के नाम पर यहाँ स्वीकृति दी है, उनको भी धन्यवाद देता हूँ। और ये चौक और रास्ते का नाम इसलिए होता है कि जब भी यहाँ से गुजरे, जो भी यहाँ चौक के पास आवे, उसको लगे ये व्यक्ति कौन थे, इस व्यक्ति का नाम चौक क्यों बनाया गया है, तो उसके बारे में उसको जानकारी मिलती है। और लोग जिसे महात्मा गांधी मार्ग है, तो जब महात्मा गांधी के मार्ग चलेंगे तो महात्मा गांधी लोग याद आएंगे कि महात्मा गांधी का मार्ग क्या था। उस रास्ते पर हम चल रहे हैं तो महात्मा गांधी के उन विचारों को याद करेंगे। ऐसे जब गुरदास कामत जी के चौक के पास आएंगे, इधर से गुजरेंगे, तो लोगों को लगेगा गुरदास कामत इस इलाके के सांसद के रूप में जो अपना योगदान दिया है, हम उनके उसी मतलब विचारों को लेकर के आगे चलेंगे। मोहसिन हैदर उनके साथियों ने इसकी अगुवाई की है, मैं उनकी मुबारकबाद देता हूं। और कांग्रेस के कार्यकर्ता जो भी लोग हैं, जो भी गुरदास कामत जुड़े हैं, आज मैंने देखा है कि पहली पुण्यतिथि पर वर्किंग डे होने के बावजूद लोग अपने सब काम पे गए हुए हैं, लेकिन इतनी बड़ी भीड़ वहाँ भवंस कॉलेज के सभागार से लेकर के यहाँ चौक के पास, जैसे लगता है कि लोग गुरदास जी आए हैं और अपने कार्यक्रम में जा रहे हैं, लोग उनके साथ चल रहे हैं। राजीव गांधी की एक वाक्य याद आता है, उनकी भी 75वीं जयंती मनाई जा रही है। राजीव जी हमेशा कहते हैं चले चलो चले चलो, वो मंजिल अभी तक नहीं आई। तो मोहसिन हैदर की अगुवाई में यहाँ के लोग वैसे राजीव गांधी की उस मंत्र को लेकर चलें कि चले चलो वो मंजिल अभी तक नहीं आई, उस पर चलने का प्रयास करें। बिल्कुल मोहसिन भाई, आपने अपने भाषण में कहा कि ऐसा लगता है कि कामत साहब दिल्ली गए हुए हैं और आ जाएंगे, एक साल पूरे हो गए उनके निधन को, अब आज जो है उनके नाम से आपने एक चौक का इनॉग्रेशन कराया है, क्या कहेंगे? मैं वही कह रहा हूँ, सिर्फ मेरी बात नहीं, आज तमाम कार्यकर्ताओं को देखिए, ऐसा लगता है नहीं कि गुरदास कामत जी हमारे बीच नहीं है। देखिए जो जज्बा लोगों में, देखिए हर तबके के लोग हैं, हर मजहब के, हर धर्म के, हर जो है स्टेटा के लोग आपको नज़र आ रहे हैं, उनमें जो मोहब्बत है, साल भर होने के बाद भी वो मोहब्बत कभी कमी नहीं हुई है, आज भी जज्बा है लोगों के साथ, जो जज्बे के साथ जुड़ा हुआ है। देखिए अब इससे साफ पता चलता है कि आदमी जाने के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रहता है, तो ऐसा कुछ काम लोगों को करना चाहिए जिस तरह गुरदास कामत जी ने किया। मुंबई का हर वो शख्स किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, वो कभी गुरदास जी के खिलाफ नहीं बोलेंगे, क्योंकि हर वो लोगों के लिए गुरदास जी खड़े हुए। आज हमारे कृपा भैया है, आज भी कार्यकर्ता इनके साथ इसलिए जुड़े हुए कि खड़े हैं लोगों के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए खड़े, आवाम के लिए खड़ा है, वो किस पार्टी का है, किस देश का है, किस भेष से, उसे कोई ताल्लुक नहीं। तो आज भी ऐसा नेता हमारे बीच है, ऐसा ही जज्बाती कार्यकर्ता हमारे साथ है। आज भी लोग ऐसा लगता है कि गुरदास जी जो है, जैसे हमारे नेता ने कहा, उनका भले तन सामने नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि हमारे बीच गुरदास जी आज भी है।
हम तमाम कार्यकर्ताओं की कोशिश ये रहेगी, आज तो सिर्फ चौक का इनॉग्रेशन किया है, जहाँ जहाँ हमसे हो सके वहाँ वहाँ हम गुरुदास जी का नाम रोशन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमने जो वक्त उनके साथ गुजारा है बहुत सुनहरा वक्त है, बहुत कुछ हमने सीखा है कि आवाम की खिदमत कैसा करना चाहिए। लोग आपके दरवाजे तक आता तो आप खुश हो जाइए, आप तकलीफ मत लीजिए मेरे घर पर क्यों आए मेरे दरवाजे, खुश हो जाइए कि लोगों ने आपको चुना है, आप पर भरोसा करता है। आज वो ऐसा नेता थे, मैं बताऊँ कि यहाँ मस्जिद का मामला था, मेट्रो जो जा रही है बंद था कई दिनों से, वहाँ का इश्यू था, लेकिन लोगों को गुरुदास जी के भरोसा था, मस्जिद वाले भी मान गए, मेट्रो वाले भी मानेंगे, 10 मिनट में मस्ता हाल हो गया, आज मेट्रो भी चल रही है और मस्जिद भी बना हुआ है। तो ऐसे हर जाति बिरादरी के लोगों को नेता पर भरोसा होना चाहिए, नेता पर भरोसा होता है तो फौरन मस्ता हाल होता है। तो वो गुरुदास जी थे और हम तमाम लोगों के दिल में आज भी गुरुदास जी है। तो हमने जो चौक पास किया है उनके उनके कराए अकीदत के लिए ये पहला ऐसा मौका मिला है जो आज जिसका इनॉग्रेशन किया है। हमारे साथ मौजूद है महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष बाला साहब थोरा साहब, उनसे जानते हैं कि किस तरह से आज गुरुदास कामत जी की पहली पुण्यतिथि पर आप उनको किस तरह से याद कर रहे हैं। ठीक है, गुरुदास कामत जी सच्चे कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, कांग्रेस के तत्वज्ञान जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन से निगड़ित है उसको मानने वाले थे, पूरे यूनिसेफ से विद्यार्थी कांग्रेस से लेकर यूथ कांग्रेस बड़ी कांग्रेस, उन्होंने कांग्रेस का कभी साथ छोड़ा नहीं, वो तत्वज्ञान के लिए काम करते रहे और उनका संगठन बहुत अच्छा था, उन्होंने संगठन का जो काम है उनका एक आदर्श संगठन कैसा किया जाए इसके बारे में अगर एग्जाम्पल देना होगा तो गुरुदास जी का देना होगा। तो उनके जाने से हमारे लिए तो बड़ी हो गई है। तो ये कांग्रेस के आगे कांग्रेस के लिए तो उनका आदर्श लेकर काम करना। थोरा साहब, आप अपने भाषण में कहे कि गुजरात चुनाव के दौरान दो लोगों से लड़ना था, अब तो विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र में है, तो किस तरह की तैयारी है और आपको अब कमान सौंपी गई है? अरे हमारी हम लड़ेंगे, अच्छी लड़ेंगे, आपको दिखाई देगा कि कांग्रेस का मुख्यमंत्री होगा। पी चिदंबरम जी को लेकर जिस तरह से वो किया जा रहा है, उनको आज भी सुप्रीम कोर्ट से जो है राहत नहीं मिली है, क्या कहेंगे? नहीं, आप देख रहे हैं कि इसका तरीका जो है काम करने का भाजप का वो ऐसा ही है, जो अगेंस्ट बोलता है वो तो देशद्रोही होता है, नहीं तो उनको कुछ ना कुछ तकलीफें शुरू हो जाती है, इस तरीका का भाग है उनके। भैया क्या कहेंगे जिस तरीके से आज जो है आप गुरुदास कामत जी को याद कर रहे हैं, एक साल पूरे हो गए उनके जो है आज पुण्यतिथि है, क्या कहेंगे? कुछ कहना नहीं है, गुरुदास कामत जी ने जो काम किया पार्टी के साथ उन्हीं का आदर्श चलना है। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानीय अध्यक्ष बाला साहब थोरा जी ने कई बातों को उल्लेख किया है और मुझे लगता है कि उसी पर हमको चलना है और आने वाला समय कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छा होगा। गुरुदास जी की याद में हमारे यहाँ के नगर सेवक मोहन हैदर, उन्होंने ये चौक का नाम गुरुदास के नाम पे रखा है। सच्चा गुरुदास को याद करने का काम हैदर भाई ने किया है, बहुत अच्छा काम किया है। लोगों के वहाँ एक चौक में गुरुदास का नाम देना, क्यों? गुरुदास संघर्षित नेता थे, मुंबई के नेता थे, मुंबई के हर सवाल के ऊपर, मुंबई के हर बात के ऊपर वो बात करते थे। गुरुदास और मुंबई उसको अलग कर नहीं सकते, मुंबई का नेता, मुंबई के लिए काम करने वाला, और ऐसे हमारे गुरुदास कामत जी का यहाँ चौक में अंधेरी बेस पर नाम दिया है। मैं मोहन हैदर का शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। खेल में यह आइडिया मेरे हस्बैंड का था, मोहसिन हैदर, और मेरा बेटा सुफियान हैदर। कामत सर एक ऐसी, मतलब उनके बारे में बोलना लफ्ज नहीं है कुछ भी बोलने के लिए, ये एक हमारे तरफ से एक छोटी सी श्रद्धांजलि थी उनके लिए, ताकि उनका नाम हमेशा लोगों के जहन में रहे, दिलो दिमाग में रहे, और वो एक अमर हो, इसलिए हमने ये चौक बनाया उनके लिए। कोई ऐसा लम्हा, क्योंकि आपने अभी नगर से उठा, उसके कैसे कामत साहब का कोई ऐसा वाक्य जो आपको याद हो? रियली में एक ही टाइम में कामत सर से मिली हुई एक महिलाओं की मीटिंग थी, तो उसमें मुझे याद है कि एक महिला वहाँ बैठे बैठे रोने लगी कि उसके आँख में काफ़ी दर्द है और उसका ऑपरेशन है, और वो ऑपरेशन के लिए एक एक वक्त में शायद 40 से 50 हज़ार का खर्चा है, और मुझे लगता है शायद उसकी कुछ 10 से 12 सिटिंग होने वाली है। उसी वक्त कामत सर ने उठ के उसको बोला कि बहन आप फिक्र मत करो, मतलब आज से आपका जो भी ये खर्चा होगा वो मैं उठाऊंगा। बस मुझे लगता है उसी वक्त से मैं उनकी फ़ैन हो गई, और ये हमारी कोशिश थी कि हम उनके लिए कोई श्रद्धांजलि करें, और हमने ये किया। रियली में कामत सर को हर कोई प्यार करता है, चाहे वो कोई भी जात का हो, कोई भी प्रांत का हो, कोई भी पार्टी का हो। जब लोगों ने सुना कि कामत सर के लिए ये चौक बनाया जा रहा है, तो सबने वेलकम किया। छोटा मोटा होता है, लेकिन फिर जब लोगों को कामत सर के बारे में पता चला,
तो सबने खुशी खुशी उसका स्वागत किया। कहते हैं कि नेता वो हो जो जनता के बीच रहे और जनता के दिलों पर राज करे, तो गुरदास कामत जी ऐसे ही नेता थे जिनको ये लोग आज भी याद कर रहे हैं और आज उनके नाम से जो है चौक का इनोग्रेशन हुआ है। और ये मेहर मोहसिन हैदर जो नगर सेविका हैं कांग्रेस के, उनके नेतृत्व में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और बात करें तो पूर्व गृह मंत्री कृपा शंकर सिंह और महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष बाला साहब थोराट के हाथों से इस चौक का इनोग्रेशन किया गया। कैमरामैन FS पटेल के साथ प्रदीप शर्मा, इन 24 न्यूज़, मुंबई।